and today we are going to react to New Pakistan Air Force song 2017. चलो देखते हैं. Air Force song. बातें बाद में पहले देखते हैं. देख ले. दो पल का ये जीवन है, कुछ करना है तो कर गुजरो. जबीने कायनात है, वफा की रोशनी हो तुम, बना अंधेरी रात है. शहीद की जो मौत है, मकाम की हयात है. लहू जो है शहीद का, वो कौम की ज़कात है. तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है. इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक सांझी अपनी खुशियाँ. कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है. जवानों की जुबान पे नारे तकबीर आता है. तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है. दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है. चेहरा बनता है. हो दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान.
इसमें कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ें मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। मतलब कि एक शिकायत है इस वीडियो से, वो है वीडियो का गाना। मतलब पाकिस्तान के मैंने गाने सुने, पाकिस्तान अपने गाने के लिए फेमस है, और 90% इंडियन मेरे ख्याल से ये बात मानते होंगे कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा अच्छे गाने बनाता है। वो बात है। कोक स्टूडियो फेमस है यहाँ पे आपका, ठीक है। नेस्कैफे बेसमेंट भी अभी अभी चालू हुआ है, कोक स्टूडियो नहीं देखता है। बहुत सारे गाने वहीं के लाए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ के भी कुछ गाने गए हैं, लेकिन वहाँ के गानों का इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा है। उसके हिसाब से मुझे लगा कि ये पाकिस्तान वालों ने बनाया हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी बाहर के आदमी को ला के दे दिया गया है कि तुमको बनाना है, और उसने क्या कहते हैं उसका गाना लिख दिया। लेकिन ऐसे सॉन्ग्स हर कोई नहीं लिख सकता, लेकिन मैं चाहूँ कि ये सॉन्ग लिख दूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग का वो काम नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि पाकिस्तान ने इससे अच्छी वीडियोस बनाई हैं, इससे अच्छे गाने बनाए हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मेरे को। नहीं, काम नहीं है वो बात भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो एक्चुअली जो वॉर वाली फीलिंग्स होती है ना, कि आप एक एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं, वो भी एक फाइटिंग प्लेन है, आपको देश के लिए कुछ करना है। देखिए, मैंने एक बात बोलूंगा, आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन इंडिया में आर्मी की रिक्रूटमेंट वीडियो बनी थी, उसमें जो गाना था उसमें इसमें रॉक यूज़ किया गया है, उसमें रॉक नहीं यूज़ किया गया था म्यूज़िक, उसमें सिंपल गाना चल रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों इसका जो रॉक म्यूज़िक था वो गाने को उठाने की जगह गाने को डुबा दिया मेरे लिए। जो शुरुआत में जो गाना आया था, जो शुरुआत में एकदम सोलो म्यूज़िक चल रहा था सिंपल एकदम, वो बहुत अच्छा लग रहा था, और मैंने उस पर रिएक्ट भी किया था, एकदम मुझे अच्छा लग रहा था कि मस्त गाना लग रहा है। लेकिन जब रॉक आया तो मुझे लगा कि अभी और अच्छा होने वाला है, एकदम से बीट्स आएंगी और एकदम तो गूज़बम्प्स आएंगे। लेकिन मैंने शायद आशाएं ज़्यादा बढ़ा ली थी, इसलिए क्या कहते हैं उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन ओवरऑल गाना ठीक था, मतलब कि वीडियो के कंपैरिजन में गाना उतना अच्छा नहीं था उनका। मतलब कि वीडियो को वो और इन्हेंस कर सकता था, फीलिंग और दे सकता था, लेकिन वो दे नहीं पाया। देखिए, हम लोग ऑनेस्ट रिएक्शन दे रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि आप बस आप लोगों की तारीफ करते रहें और व्यूज़ बढ़ाते रहें। जो मुझे लगा वो मैंने बोल दिया, और सबके व्यूज नहीं है जैसे उसको अच्छा लग रहा है, मेरे को नहीं लग रहा। हाँ, वही 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 मैं जो सोच रहा था, थोड़ा सा मेरी डिफरेंट फीलिंग थी। मैं ये सोच रहा था कि ये हर कोई, जैसे मान लीजिए मैं ही गाना लिखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर गाना लिखने वाला हूँ और ये गाना लिख दूँ, क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग होती है जो केवल वही समझ सकता है जो एक उसी स्टेट पे है। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए भी तुम्हारी बात में समझ रहा हूँ कि हम लोग नहीं बना रहे, हम लोग को बना देते तो हम लोग नहीं बना पाएंगे, बात ठीक है। लेकिन कहने का मतलब नहीं है, बात हुई होगी तो उसके लिए फिर आदमी चूज किया गया होगा उसके लिए, क्योंकि वो लोग रियल सिनेरियो में बना रहे हैं, ये वो लोग एयरफोर्स बेस पे हैं, रियल फाइटर प्लेन्स के साथ। अगर वो इतना खर्चा कर रहे हैं तो म्यूजिक पे थोड़ा और देना चाहिए था। और क्या कहते हैं, ये शॉट्स बहुत अच्छे अच्छे लिए गए हैं, जैसे शॉट्स यार F-16 कैमरे लगाए गए हैं प्लेन्स पे, और नीचे से शॉट्स, ऊपर से शॉट्स, कॉकपिट से शॉट्स। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा गाने पे कम वीडियो पे ज्यादा बह गया था, कि मतलब वो फीलिंग थी ना, कि मतलब हम डूब गए थे थोड़ा, हम लोग भी, मैं थोड़ा सा वीडियो पे ज्यादा, मैं भी डूब रहा था, दिमाग चला गया, मुझे खींच ले रहा था, ध्यान नहीं देने दे रहा था, मैं वीडियो पे थोड़ा सा ज्यादा चला गया, कि मतलब किस तरीके से वो लोग जा रहे हैं लड़ने, क्या मतलब गाने की लिरिक्स भी मैच कर रही थी, ऐसी बात नहीं है। गाना जो बात सही बोल रहा था, पर मेरे ख्याल से वो रॉक टाइप जो तुम बात कर रहे हो वो नहीं होना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से। नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हुआ। अगर वो कायदे से एग्जीक्यूट होता तो मुझे गोज़बम्प्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़ा हो जाते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाया। तो गलती में सिखाओगे ये बताओ, गलती में कहूंगा जिसने बनाया है, बनाया है। शायद उसका एग्जीक्यूट नहीं तो कर लिरिक्स की गलती नहीं कर सकते। नहीं, मैं गाने गाने तो लिरिक्स कह रहा हूं, म्यूजिक की बात कर रहा था, मैं कह रहा हूं म्यूजिक था वो उसमें मैच नहीं कर पाया। वो जो भी हो म्यूजिक की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लिरिक्स है यार वो एक क्लास है, लिरिक्स तो फीलिंग्स है, एक चीज फीलिंग्स को लिखा गया है यहां पे। और एक चीज और अच्छी लगी यहां पे, जैसे वुमेन, हाँ वही वुमेन, वो पॉइंट भी अच्छा लगा हमें, क्योंकि चेंजेस लाने हैं तो हम लोग को ये भी दिखाना होगा कि वुमेन आर्मी नेवी एयरफोर्स सब में पार्ट ले रही है, दिखाया गया वीडियो में। पहले हम लोग जैसा मेरी अंदर की फीलिंग थी कि पाकिस्तान में वुमेन्स के लिए उतना सिक्योरनेस है, और मतलब इंडिया में भी ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा इंडिया में थोड़ा सा चेंज हुआ, तो थोड़ा पाकिस्तान के लिए अभी भी मेरे पास वही फीलिंग थी। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे रिएक्ट किया तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में चेंजेस आएंगे, आएंगे ही आएंगे। इतना भी दबा हुआ नहीं, क्योंकि मलाला यूसुफ़ज़ई का जब वो हुआ था, तो उसमें हम लोग को लगा था कि जैसे कि लेकिन फीलिंग उस समय हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग को तो बस उतनी बात दिखाई गई थी कि वहाँ पे उसको गोली मार दी गई, तो हम लोग के लिए तो वही भी हो गया था कि वहाँ पे लड़कियाँ सेफ ही नहीं है, उनके लिए कुछ है ही नहीं। हम लोग पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाने लग गए थे, और तालिबानी टाइप एकदम। लेकिन अब ये देख करके लग रहा है कि हाँ ऐसा नहीं है, और स्टूडियो सुना है, नेस्कैफे बेसमेंट सुना है, तुमको भी वो गाना सुनाऊंगा मैं, नेस्कैफे बेसमेंट का बहुत अच्छा गाना था, मतलब कि जॉन न्यूमन ने गाया था, दूसरा वो
ओरिजिनल गाना, लेकिन उन्होंने उसको लड़कियों ने गाया, पूरी लड़कियों की बैंड ने गजब गाया उसको। जॉन न्यूमैन ने उस पर ट्यूट भी किया था कुछ भी कही। ओवरऑल गाना तो अच्छा लगा, मतलब मुझे तो काफी अच्छा लगा। अगर मैं लिरिक्स पे जाऊँ तो मतलब जिस तरीके की फीलिंग्स मेरे अंदर थी उस समय जब मैं वीडियो देखा तो काफी अच्छा लगा मुझे। आई एम टोटली सैटिस्फाइड। हां अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक के लिए बस म्यूजिक क्या लगे मुझे ऐसा लगा कि उठा नहीं पाया थोड़ा, तो जोश आना चाहिए थोड़ा जोश, क्योंकि कुछ टाइम पर क्योंकि आर्मी नेवी की बात आ गई थी ना, देख पहले से हम बैठता यार आर्मी नेवी की बात है एकदम गोलियां चलेंगी ये होगा वो, लेकिन थोड़ा एक आया था ना अंदर फीलिंग जोश के अलावा थोड़ा सा मतलब सैड फीलिंग भी थी मेरे अंदर कि जिस हिसाब से वो दिखा रहे थे कि मरने के बाद मतलब जो भी एक जवान मरता है, तो उस टाइम थोड़ा सा फीलिंग्स मेरी डाउन हुई थी। ये नहीं कि सॉन्ग खराब है, मतलब कि वो होता है अंदर से इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए कुछ चीज़ों को, बोलो खासकर म्यूजिक में बस और कहीं नहीं कुछ के साथ तो वो भी नहीं है मेरे हिसाब से वैसे हम एयरफोर्स सॉन्ग भी बोल रहे थे, एयरफोर्स पे नहीं बोल रहे थे, मतलब मैं एयरफोर्स मत लेके जाइए, एयरफोर्स पे सॉन्ग की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मैं एयरफोर्स के डायरेक्शन की और उसकी बात कर रहे हैं, बाकी टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में। मुझे बस F-16 के बारे में मालूम था, अमेरिकन फाइटर प्लेन है जो पाकिस्तान ने खरीदा था 2000 के आसपास में, मे बी सिंगल इंजन फाइटर। और बाकी मोस्टली आजकल तो शायद पाकिस्तान और चाइना मिलकर फाइटर प्लेन्स बना रहे हैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है न्यूज वगैरह, तो ये भी अच्छा है नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। और ये भी हमें पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स काफ़ी एक्सपीरियंसड एयरफोर्स है क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया के साथ वॉर हुई है उसके साथ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही इंडियन और पाकिस्तान के लोग इतने लड़े हैं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में कि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और फोर्सेज के मुकाबले, मतलब कि इतना एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से क्या कहते हैं आसपास के देशों को नहीं है, जो श्रीलंका को और बांग्लादेश को, इन सबको इंडिया पाकिस्तान को काफी एक्सपीरियंस है वॉर्स को लेकर के, खास कर इन दोनों को वो तो मतलब जो भी है आपसी भेदभाव जो भी जैसा है खैर उसको मिटाने का काम हम लोग कर रहे हैं, आप लोग अभी देखिए आप लोग आपको देखेंगे। हाँ हो सकता है कोई हमें एक बार और देखे तो शायद कुछ वो सीखे, कम से कम इसी तरह हम लोग की दोस्ती होती रहेगी आपस में, सरकारें निपटेंगी आपस में, हम लोग तो आपस में चलता रहेगा, सब चलता रहेगा, सरकार अपना निपटे हम अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे और क्यों नहीं दोस्त बढ़ाएंगे। चलिए फिर हम लोग की आज की रिएक्शन वीडियो यहीं तक थी न्यू पाकिस्तान एयरफोर्स सॉन्ग, और प्लीज कमेंट करिए मतलब कोई आपके अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए हम क्या देखना है और हम लोग बहुत खुशी खुशी रिएक्ट करेंगे, खुशी खुशी रिएक्ट करेंगे वही बात है। होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, ऑलवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी है। पीस आउट।